एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कभी भी अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जैसे इस केस में 10 यूनिट्स दिया था और वो आपस में परपेंडिकुलर है, उनका रिजल्टेंट आप रिजल्टेंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। बेस 10 है, परपेंडिकुलर भी 10 है, तो अगर रिजल्टेंट निकालना है आर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, रिजल्टेंट आ जाएगा 10 रूट 2 यूनिट्स। तो जो भी उनका मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 वो रिजल्टेंट होता है अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट इफ angle between these vectors is 60 degrees. हो गया, नमस्ते जी। ये लेट आने वाले बैठते हैं ये क्लास में। कारण बताओ लेट आने का। हाँ जी हो गया, अगर एंगल 60 डिग्रीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और 60 डिग्रीज होल अंडर cos 60 कितना होता है 1 by 2, तो 2 कट जाएगा तो ये भी 10 square under root आ गया, 10 under root 3 units answer। ठीक है, फिर से standard result है ये, कभी भी दो equal vectors हैं, angle उनका आपस में 60 degrees है, तो जो resultant होगा magnitude of one vector multiplied by root 3 है। ठीक है, माइक बंद कर लो अपना। हाँ जी डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड are inclined to each other such that
the magnitude of such that the magnitude of their resultant is also equal to their magnitude. The magnitude of the resultant is also equal to their magnitude. Find angle between them. अंग्रेजी में हाँ पूरा बोलो सर आई एम सॉरी आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन हिंदी में बताओ मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो आगे से मैं ये गलती नहीं जो फिर से बोला नहीं आप फिर तो फिर नहीं बैठ सकते नहीं आप तो कोई बात नहीं टाइम पे आना सीखो आगे से आगे दो भाषा में होता फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं चल रहा है फिर आप ही तो है क्षमा कर दो आगे से नहीं आगे नहीं भविष्य काल में ये चीज कभी नहीं भूल रहा हूँ चीज भी भूल रहा हाँ भाई क्या किसी ने आंसर ज्योति हो गया प्रज्योत हाँ कॉस थीटा माइनस वन बाय टू आ रहा है तो कॉस की वैल्यू माइनस वन बाय टू कब होती है जब एंगल 120 डिग्रीज होता तो अगर हम यही रिजल्टेंट वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं ना सपोज दो वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है
हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा से चूज कर लेते हैं तो रिजल्टेंट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a इनटू cos थीटा होल अंडर रूट ठीक है अब रिजल्टेंट भी इनके बराबर है तो r को भी a लिख लेते हैं और स्क्वायरिंग कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा तो a स्क्वायर दोनों साइड कॉमन है कट जाएगा 1 इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय 2 हाँ सॉरी cos थीटा cos थीटा आ गया माइनस 1 बाय 2 विच मींस थीटा शुड बी इक्वल टू 120 डिग्रीज तो कभी भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं और उनके बीच में 120 डिग्रीज का एंगल है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी उनके बराबर होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये क्या बेटा हाँ अच्छा आगे की बता दूँ ठीक है वैसे तो आप मैथ्स में करोगे ही उनको लेकिन इसका बेस्ट ये नोट कर लेंगे मैं कर लिया इसका बेस्ट मेथड है आप लोगों ने साइन और कॉस का ग्राफ देखे होंगे तो ग्राफ से समझना सबसे आसान हो जाता है कॉस का जब हम ग्राफ बनाते हैं हम कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है ठीक है और कॉस जब 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है ऐसी वेव बनती है इसकी कॉस की तो अपने आप को रिपीट करता रहता है यहां पर ये वैल्यू है 1 थीटा है 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री पे 0 होती है ठीक है बीच में आप यहां निकालते हैं 45 डिग्री के लिए 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए ये तो आपको पता है वैल्यूज राइट अब आगे इससे उल्टा चलने वाला है ये आ गया माइनस 1 सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है तो बिल्कुल वैसी सिमेट्री बना लो जहां 45 था वो 135 डिग्रीज हो जाएगा 120 डिग्रीज 150 डिग्रीज तो जो 60 डिग्रीज पे वैल्यू है उसकी नेगेटिव वैल्यू 120 पे आएगी जो 45 पे उसकी नेगेटिव वैल्यू 135 पे आएगी जो 30 पे उसकी नेगेटिव वैल्यू 150 पे उसके बाद आगे फिर ये अपने आप को रिपीट करेगा ये 180 पे आ गया तो 210 डिग्री फिर 225 डिग्री 240 और 270 डिग्री आगे फिर वो रिपीट हो जाएगा इससे उल्टा हो जाएगा कर लोगे बाकी का तो सिमिलरली साइन ग्राफ के लिए करते हैं ये 90 डिग्री है तो यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है ठीक है समझ आ गया
चलें करें आगे। ओके अब आज जो फर्स्ट आर्टिकल हमने करना दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देख लो हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया, अच्छा भाई पहले तो तुम लोग नहीं समझ आ रहा क्या बोलना, बोलो भविष्य काल में सहानुभूति 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 क्या होता है सहानुभूति। आज नंदन भी फेर हो गया क्या? सहानुभूति क्या होता है? अरे इंग्लिश में बता क्या आपके सहानुभूति? सिंपथी। सिंपथी होता है सहानुभूति। आप लेट क्यों हो जी? और आप बैठ कैसे हो? लेट से इतना दिमाग घूम रहा है। इतना लेट बताया ना सर मैं बहुत खुश। हाँ बोलो। अभी आपने कृपया मुझे क्षमा कर दो, भविष्य काल में ये जो चिकार है बिल्कुल तुरंत उसमें बता दिया कि अध्यापक मुझे क्षमा कर दो, भविष्य में ऐसा तुच्छ कार्य नहीं दोहराऊंगा। वैसे ऐसा नीच कार्य होना चाहिए, नीच कर्म कार्य रूप में कर्म होगा। नीच कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर अच्छा भूल भूल उर्दू में होता है। गलती भी उर्दू में होता है। दुष्कृत्य बुरा काम त्रुटि भी हो सकता है। क्या कह रहा है? तुम लोगों को ये समझ आ रहा है कि तुम्हारी कोई भी लैंग्वेज अच्छी नहीं है? अभी अच्छी है पक्का? मैं ये कह रहा है, जैसे हम कह रहा है कि इसकी पंजाबी अच्छी है। पंजाब में सबसे कॉमन वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? सबसे कॉमन वाहेगुरु। इसका अर्थ बता देते हैं। ना गूगल तुझे आना चाहिए। वैसे तो गूगल से भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, पहले भी तुम्हें आना चाहिए ना बेटा। उधर आप भी कोई भी बता सकता है। हालांकि चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया पहले इसको चांस दिया। ईश्वर ईश्वर और ईश्वर का क्या अर्थ होता है? ईश्वर मतलब जो जिसने सबको बनाया है, जिसने सबको बनाया है। भगवान भगवान और ईश्वर सेम है।
जब तो तुम गॉड भी बोलते हो है ना ओके जी अब जब हमने सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करना है ना तो एडिशन करते हुए हमने तीन मेथड लिए थे पैरेललॉग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ठीक है सबट्रैक्शन के लिए अलग से कोई मेथड नहीं है हमने सिर्फ एडिशन को ही यूज कर लिया फॉर एग्जांपल हमने किया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना तो इसका मैग्नीट्यूड आर होता है विच इज गिवन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होल अंडर द रूट ठीक है तो दो वेक्टर्स को ऐड करना हमें आता है अगर डिफरेंस निकालना हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें रिक्वायर्ड है तो लेट अस सपोज दिस इज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर अगर इस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें मैग्नीट्यूड उतना ही रखें तो ये उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा दिस विल बी माइनस बी ठीक है तो अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं लिख दूं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर एक ही बात ठीक है इस स्टेप का हमें बेनिफिट ये हुआ कि मुझे पता है कि ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है ठीक है इनके बीच में प्लस का साइन है दैट मींस मुझे इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड करना और एडिशन का मेथड मुझे ऑलरेडी आता है ठीक है व्हिच मींस कि ए और बी को ऐड करना था तो ये दो वेक्टर है ए माइनस बी करना था तो इन दो वेक्टर्स को ऐड कर लिया तो मेरे पास ए माइनस बी आ ठीक है कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो लिख लेते हैं फिर इसको द सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कटिंग सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स द सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर The subtraction of vectors is achieved by using the methods for addition of vectors. For example, if two given vectors, for example, if two given vectors A and B are inclined to each other, are inclined to each other at an angle theta, then we can write A vector minus B vector equal to A vector plus minus B vector. Therefore, A vector minus B vector will be the sum of A vector minus B vector. Therefore, A vector minus B vector will be the sum of A vector and minus B vector.
अब इसका इफेक्ट क्या होगा? हमने कहा ए और बी वेक्टर्स गिवन है, अगर ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, हमें गिवन है इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। अगर मैं बी वेक्टर को रिवर्स कर देता हूं, ये माइनस बी आ गया। अब इस माइनस बी वेक्टर का ए के साथ कितना एंगल बनेगा? 180 माइनस थीटा। आगे लिख लो एक लाइन और, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विल बी 180 डिग्रीज माइनस थीटा। विल बी 180 डिग्रीज माइनस थीटा। अब अगर इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल होता है कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है वही उनके रिजल्टेंट के बराबर होगा। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा होल रूट, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 डिग्रीज माइनस थीटा होल रूट। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो cos 180 माइनस थीटा, अभी अभी ग्राफ करके हटे हम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उससे ऑपोजिट होता है, नेगेटिव आता, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का रिजल्ट, सिर्फ यहां पे माइनस का साइन आ। हाँ जी बोलो। हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा जी आपने, शुक्र किसी ने पूछा। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा, वहां पर ए और बी मैग्नीट्यूड्स होते हैं, वी डोंट कंसीडर साइन, इवन यहां भी अगर नहीं लगाएंगे तो भी ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो मैग्नीट्यूड के लिए और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिए जाते हैं, राइट। डायग्राम बना लो, नोट कर लो इसे।
Okay. हाँ जी, done all of you? और एक चीज और देखो, हमने जब parallelogram law factor addition किया था, वहाँ पर वहां हमने ये कहा था कि जब हम parallelogram पूरा करते हैं तो जो कॉमन डायगोनल है वो दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर होगा, ठीक है? ये डायगोनल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, देखो ये आ जाएगा, सेम है, दिस विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो कभी भी जब हमें दो गिवन वेक्टर्स हो, उन दोनों को हमने को इनिशियल बनाया, इन सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, पैरेललोग्राम बना दिया, तो जो डायगोनल दोनों के कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उन दोनों का सम या रिजल्टेशन करेगा, जो दूसरा डायगोनल है वो उनका डिफरेंशियल होगा। फॉलो, नोट लिख लो, एक when the two given vectors are drawn co-initially so that they form adjacent sides of a parallelogram then the diagonal of parallelogram starting from their common point represents sum of the two vectors whereas the second diagonal represents difference of the two vectors. Second diagonal represents the difference of the two vectors. ये डायग्राम बना लो इसका, ओके।
और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो भी कॉस थीटा हो रहा है ये एक्सप्रेशन है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ठीक है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन में निकालनी होगी डायरेक्शन के लिए हम ये जो एंगल है जो ए वेक्टर ए माइनस बी के साथ बना रहा है इसे सपोज गामा मान लेते ठीक है तो हमने एडिशन के लिए यहां पर इसको क्या सपोज किया था बीटा टेन बीटा का फॉर्मूला क्या था याद है क्या क्या फॉर्मूला था नो बताओ जी डी साइन थीटा ओवर ये किया था ठीक है यही फॉर्मूला अब अगर हम यहां ए और माइनस बी के लिए लगाएंगे तो टेन गामा क्या बनेगा देखो जरा बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा ठीक है टेन गामा अब साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर है टेन 180 माइनस थीटा सॉरी साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है तो वी कैन राइट बी साइन थीटा अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हाँ तो जो माइनस कॉस थीटा तो यहां आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर माइनस बी देख लो हेडिंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख लो इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज गामा देन ये नोट कर लो ऐसे टेन गामा इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ए माइनस बी कॉस साइन 180 माइनस थीटा के मान इसको मैं तुझे करके दिखा देता हूं अभी थोड़ी देर पहले जब हम साइन का ग्राफ कर रहे थे तो ये ऐसे बनाया था जैसे वेव बनाते हैं ठीक है ये जीरो डिग्री है ये 90 डिग्रीज है ये 180 डिग्रीज 270 डिग्रीज 360 डिग्रीज ठीक है यहां अगर यहां पे एक मिरर लगा दें तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी मिरर इमेज बनेगा राइट तो अगर हम साइन 180 सपोज करो
साइन 150 डिग्रीज निकाल दो, ठीक है। तो 150 को हम 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें बताना था 150 डिग्रीज, राइट। अब ये जितना 180 से पीछे है 30 उतना ही जीरो से आगे है, ठीक है। जितना इधर से इधर चलोगे उतना इधर से इधर चलोगे, सिमेट्री बन रही है। तो साइन 180 माइनस 30 इज सेम एज साइन 30। सिमिलरली अगर 120 निकाल लो तो साइन 180 माइनस 60 विल बी इक्वल टू साइन 60। इसलिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, आ गया समझ। हाँ जी नवजोत, आया समझ पे? चले आगे, नहीं आया क्या कंफ्यूजन हो गया? ये चीज नहीं समझ आई। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, समझ आया? ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इधर एंगल चल रहा है, इधर साइन ऑफ एंगल, तो आप एंगल बढ़ाते जा रहे, वैल्यू ऐसे यहां पे मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है, मिनिमम माइनस बन सकती है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। अब पीछे जीरो से 90 तक तो बचपन में करते हैं हम वैल्यूज, वो तो पता होगा, ठीक है। आगे जी अगर कुछ करनी है तो इस ग्राफ से सारा कुछ कर सकते, तुझे देख के समझ आ जाएगा कि अगर तुझे साइन 80 की वैल्यू बता, 90 से 10 डिग्री पीछे आएगा, अगर 90 से 10 डिग्री आगे जाएगा तो भी ग्राफ की सेम हाइट आएगी, तो भी सिमेट्री बन रही है, ठीक है। तो 90 से जितना पीछे जाता है उतना 90 से आगे आएगा। दूसरी तरह अगर देखिएगा, 180 से जितना इधर चलेगा उतना ही जीरो से आगे चलेगा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा इधर चलेगा, थीटा जीरो से लेके इधर चलेगा, तो ये दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, ठीक है। हाँ जी, आया सबको समझ? नहीं, उसको पूछो। आ गया, चलो जी चले आगे फिर। ओके जी, तो इसके बाद आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तुम लोगों ने अभी तक 10th क्लास तक कुछ फॉर्मूले किए थे जिनमें वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्क का क्या फॉर्मूला किया तुम लोगों ने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब फोर्स स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। वर्क स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। गलत है, स्केलर है। तो ये आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज है मल्टीप्लाई होती है तो एक नई क्वांटिटी बनती है जो जरूरी नहीं है कि वेक्टर, ठीक है। जब हमने एडिशन किया, एडिशन आप कर सकते हो अगर वेक्टर्स एक जैसे हो तो, मतलब कि अगर ए और बी को आपने ऐड करना है, अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट है तो ऐड हो सकते हैं, दोनों फोर्स है तो ऐड हो सकते हैं, दोनों एक्सेलरेशन है तो ऐड हो सकते हैं, लेकिन एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट है तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही माइनस भी नहीं कर सकते, तो वर्क फोर्स में से फोर्स माइनस कर सकते हो,
displacement वैसे displacement minus वैसे तो लेकिन force वैसे displacement minus नहीं वैसे ठीक है तो जो addition और subtraction है ये closed है कि एक ही तरह के vectors में हो सकते हैं multiplication में ऐसा नहीं है कोई भी दो quantities हो vector quantities हैं उन्हें multiply किया जा सकता ठीक है और दूसरी खास चीज कि multiply करने के बाद जो हमें मिलेगा वो scalar भी हो सकता है और vector भी हो सकता ठीक है इसलिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड्स हैं एक मेथड जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी आती है दूसरा मेथड होता है मल्टीप्लाई करने पे नई क्वांटिटी जो होती है वो भी वेक्टर होती है ठीक है तो ये जो तुमने सामने लिखा है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जिसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ठीक है तो हेडिंग लिख लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देयर आर टू मेथड्स बाय विच देयर आर टू मेथड्स बाय विच टू गिवन वेक्टर्स can be multiplied with each other. नीचे लिखा है ना फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट और इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अब पहले हम स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन लिखने वाले हैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं फिर देख लेंगे इसे डिस्टेंस स्केलर सपोज ये दो फोर्सेस है हाँ सॉरी एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं मान लो बच्चे का कोई खिलौना है जिस पर रस्सी बांधी हुई है ठीक है तो खिलौना नीचे जमीन पे पड़ा है रस्सी उसने हाथ में पकड़ रखी है और उसको तो लेके आगे चल रहा है तो ऐसे केस में ये कोई ऑब्जेक्ट था रस्सी यहां बंधी थी तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है लेकिन ऑब्जेक्ट चलता इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर को आ रही है ठीक है हमने निकाला था वर्क डन कितना है तो वर्क निकालने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं विच इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट ठीक है तो लिख लो जी स्केलर प्रोडक्ट इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर At an angle theta, then the scalar product or the dot product is given by A vector dot B vector equal to AB cos theta.
ठीक है नीचे एक लाइन और लिख लो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी is a scalar quantity ठीक है इसको तुम ऐसे समझ के देखो ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में किया वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा करते ठीक है अब यहाँ ये जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि बच्चा फोर्स यहाँ लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर होगी राइट अब ये जो फोर्स वो लगा रहा है ये सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग में नहीं लग रहा ना ही वर्टिकल में लग रहा ठीक है लेकिन अगर सारे का सारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगता तो क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है देखो सोच के ना इसको तुम एक एग्जांपल भी ले सकते हो कि मान लो कोई दीवार है दीवार के साथ एक टेबल हमने उसको टच कर रहा है और वहां पे खड़ा रखा हुआ है सेट आया हुआ दीवार के साथ हम उसको दीवार के पैरेलल लेके जाना चाहते हैं सपोज हम ऊपर से ये चीज देख रहे हैं कि ये दीवार है दीवार के साथ ये टेबल लगा हुआ है और हम इसे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं ठीक है अगर कोई आदमी इधर को फोर्स लगाएगा तो क्या ये चलेगा नहीं चलेगा अगर इधर को फोर्स लगाएगा तो चलेगा ठीक है और उसकी सारी एफर्ट उसे इधर चल लगाने में हो रही है जबकि इस केस में वो दीवार के अगेंस्ट धक्का मार रहा है राइट अगर बीच में किसी और एंगल पे लगाए तब चलेगा ठीक है तो ऑप्शन वन में तो नहीं चलता टू में चलता है थ्री में चलता है ठीक है इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है फोर्स लगाने का सेकेंड क्यू सेकेंड उसका कह रहा है कि इसमें कम खिसकेगा इसमें ज्यादा खिसकेगा ज्यादा चलेगा तो इसमें कम क्यों चलेगा फोर्स तो वही वाला क्योंकि हमारा आधा फोर्स की तरफ जा रहा है वेरी गुड कि हमारा जो फोर्स है उसका कुछ हिस्सा दीवार के धक्का लगाने में जा रहा ठीक है तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी फोर्स थी उसका कुछ हिस्सा या एक कंपोनेंट वेस्ट हो रहा है ठीक है तो लाइकवाइज जब हम ये वाला एग्जांपल ले रहे थे फोर्स इधर लग रही थी तो इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था जो वेस्ट हो रहा है ना अगर वो बिल्कुल इसके पास खड़ा होकर फोर्स यहां लगाता तो खिलौने को उठा लेता ऊपर है ना इतने एंगल पे लगा रहा है तो उसको पूरा ना तो उठा पा रहा है लेकिन चला जरूर पा रहा है पर जो फोर्स वो लगा रहा है उसका कुछ हिस्सा वेस्ट हो रहा है ठीक है तो अब ये जो एंगल थीटा है ये हमें बताता है कि कितना फोर्स का कंपोनेंट उसको चलाने में हेल्प करता है वो आगे हम डिटेल में करेंगे अभी आप सिर्फ ये याद रख लो कि हम ये जो कॉस थीटा लगा रहे हैं उसका मतलब है कि एक कंपोनेंट यूज हो रहा है दूसरा कंपोनेंट वेस्ट हो रहा है मोटा मोटा ऐसे समझ ठीक है चले आगे सेकंड लिख लो फिर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इफ टू वेक्टर्स A and B are inclined to each other
if two vectors A and B are inclined to each other at an angle theta, then their cross product has a magnitude given by A vector cross B vector equal to AB sin theta. और लास्ट में एक लाइन और ऐड कर लो, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज अ वेक्टर पॉइंट. The result obtained is a vector quantity. सेकंड में वो कंसेप्ट नहीं आया, फर्स्ट में तो है, काफी समझ आ रही है अभी, अभी इतना समझ. अच्छा अब हमने कहा स्केलर का रेशियो होगा जिसका प्रोडक्ट स्केलर होगा, उसमें भी कुछ ये थोड़ी सी अलग है, उससे अलग है, समझते हैं. ए और बी दो वेक्टर थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है, और डायरेक्शन भी होगी उसकी क्योंकि वेक्टर है. तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो मेथड समझा रहा हूं पहले. सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ठीक है. अब इन दोनों के बीच में अगर आपने एंगल देखा हो तो ये एंगल बन रहा है. कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये वाला एंगल भी हो सकता है, ठीक है, बनता तो है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में वो एंगल माना जाता है जो 180 से छोटा है. बड़े वाला एंगल इज नॉट कंसिडर्ड, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट. अब समझ लो इसकी डायरेक्शन निकालने का मेथड, इसे कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल, कि मुझे ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन बतानी है. राइट हैंड के फिंगर्स को जो भी वेक्टर पहले लिखा हुआ है, ए पहले लिखा हुआ है तो ए में रख देना है, फिर उनको बी की तरफ मोड़ना है, तो जो थंब होगा वो बताएगा वेक्टर की डायरेक्शन. इसका मतलब इस केस में ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन यहां से बाहर निकल रही है, इस बोर्ड से परपेंडिकुलर. इससे उल्टा भी हो सकता है, अगर बी क्रॉस ए निकालना है, अब राइट हैंड की फिंगर्स में ऐसे रखूंगा कि बी से ए की तरफ मुड़ रही हो, तो जो डायरेक्शन होगी अब हमसे दूर जा रही है. समझ में आ रहा, लिख लेते हैं एक बार इसे, राइट हैंड थंब रूल. इफ वी कर्ल, इफ वी कर्ल सी यू आर एल कर्ल द फिंगर्स ऑफ right hand from A vector towards B vector, then the outstretched thumb, then the outstretched thumb gives direction of A vector cross B vector.
It is next sentence likhna na. It is always perpendicular to the plane containing A vector and B vector. अब देखो, A में लिखा था A cross B equal to this, ये बात, हाँ? Expression गलत है, इसमें गलती क्या है? जो result आएगा वो vector quantity में होगा, और यहाँ पे scalar quantity है, इसका मतलब हमें यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहिए, इसका modulus ले रहे हैं या magnitude ले रहे हैं, ठीक है? या ऐसे ऐसे हम बोल रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और n कैप यानी इसकी डायरेक्शन लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू n कैप Where n cap is the unit vector n cap is a unit vector along the direction of A cross B along the direction of A vector cross B vector. ठीक है अब हम इसको समझते हैं कि यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग है वेक्टर क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है कैसे डिफाइन करते हैं बोलो भाई वेक्टर क्या होता है कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो वेक्टर तो दो चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ठीक है अब तुम लोगों ने जब ग्राफ पढ़े थे तो उसमें क्या करते हैं कागज पे दो लाइंस बना लेते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर एक को हमने बोल दिया एक्स एक्सिस एक को वाई एक्सिस ठीक आपने कोई भी पॉइंट पूरे कागज पे ले लिया उसकी लोकेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आसान होता है ना अगर ये लाइंस ना होती तो इसी डॉट को स्पेसिफाई करना मुश्किल हो जाता क्योंकि कोई रेफरेंस ही नहीं है ठीक है तो आपने ग्राफ बना के इसको आसान कर दिया ऐसे ही वेक्टर्स को समझने के लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं अब हमने मान लो ऐसे ही ग्राफ बना लिया मेरे पास एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा ठीक है अब अगर मैंने ग्राफ बनाया तो मेरे लिए बोलना बड़ा आसान है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा किधर को जा रहा है x एक्सिस की डायरेक्शन ठीक है लेकिन अभी हमने मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं किया सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड 3 है अब मुझे सारा कुछ पता चल गया कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है और उसकी डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है
राइट अगर एक वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इट इज आल्सो अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है दीज आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स राइट अब अगर मुझे बताना हो कि कोई वेक्टर है 5 यूनिट्स का अलोंग एक्स एक्सिस तो इस वेक्टर को अगर मैं 5 टाइम्स बड़ा कर दूंगा तो वेक्टर बन जाएगा मेरे को ठीक है 5 यूनिट्स का वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है इसको और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर आता है उसे हम आई से डिनोट कर लेते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई से डिनोट कर लेते हैं ठीक है जनरली हम कभी भी जो वेक्टर लिखते हैं तो ऊपर एरो लगा देते हैं इसका मतलब है कि वेक्टर लेकिन अगर इसी के ऊपर हमने कैप लगा दिया तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 ठीक है तो अगर मैंने आई कैप लगा दिया दैट मींस वेक्टर की डायरेक्शन किधर है एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड कितना है बस तो आई कैप से दोनों चीजें क्लियर होगी कि वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड उसका 1 अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हमने लिख लिया 5y का ठीक है इसको लिख दिया 3i कैप अगर नेगेटिव हो मान लो इधर है 2.5 i कैप माइनस लगा ठीक वैसे अब इधर कर लेते हैं अगर इधर जा रहा है 2 यूनिट्स का है तो y एक्सिस के लिए हमने यूज कर लिया j कैप ठीक है बेसिक थिंकिंग क्या पीछे उस पे कि यूनिट वेक्टर को क्या से डिनोट करना 3 एक्सिस होती है एक्स एक्सिस के लिए आई कैप वाई एक्सिस के लिए जे कैप और इधर कौन सी एक्सिस होती है जेड एक्सिस अगर मैं उसे डॉटेड लाइन से शो कर दूं तो इसके लिए आ जाता है के कैप ओरिजिन तो पॉइंट है उसके लिए तो कुछ भी नहीं जीरो है कोई साइज तो है नहीं उसका अरे ये चीज समझ में आई तो जब मैंने यहां लिखा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप तो यहां मैं ये कह रहा था कि मेरे पास जो ये वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा ठीक है और अगर मैं डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से ठीक है जो भी डायरेक्शन आ रही है उधर के यूनिट वेक्टर को हमने एन कैप से जनरल एक्सप्रेशन से डिनोट करते जैसे जैसे सपोज मुझे बताना हो ए क्रॉस बी 7 के कैप आ रहा है तो 7 मैग्नीट्यूड हो गया ठीक है और एन की बजाय मैंने के कैप लिख दिया जिसमें उसकी डायरेक्शन बता तो एन कैन बी एनीथिंग एक जनरल एक्सप्रेशन राइट लिख लो नेक्स्ट हेडिंग यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर अगला सेंटेंस है ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप अलोंग वाई एक्सिस बाय जे कैप
by a cat. जी क्या पहला आइटम तो मुझे क्या जी छोटा एंड अलोंग जेड एक्सिस बाय के क्या नेक्स्ट सेंटेंस लिख लिया ना अ जनरल यूनिट वेक्टर general unit vector is denoted by n cap. कितना समझ आया सबको? इसका देखो हमें बेनिफिट क्या होगा? सपोज कोई पॉइंट हमने ग्राफ पे लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3.2, ठीक है? तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, ये वेक्टर बना दूं, तो ये वेक्टर हो जाएगा 3i cap plus 2j. Yes. आगे लगता है, ठीक है? इसको समझने का एक तरीका और, अगर वेक्टर एडिशन लगाए, ये वेक्टर क्या आएगा? क्या लिखोगे इस वेक्टर को? 3i cap. अब इस वेक्टर को 2j cap. एक खत्म हो, दूसरा शुरू हो गया, टेकन इन सेम ऑर्डर, ट्रायंगल ने क्लोज कर दिया, रिजल्टेंट आ गया, दोनों को ऐड करके लिख दिया 3i cap plus 2j cap. आसान है ना? इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूं, इस पॉइंट की पोजीशन क्या थी? 3-2, है ना? किसी भी पॉइंट को की पोजीशन को बताने वाला जो वेक्टर होता है इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, देख लो पोजीशन वेक्टर. अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन व्हिच गिव्स द पोजीशन of a point or an object in a coordinate system is known as पोजीशन वेक्टर. फॉर एग्जांपल
if the coordinates of a point are 3, 2, then its position vector is given by 3i cap plus 2j cap. बनाओ उसको पोजीशन वेक्टर नेगेटिव हो सकता है कुछ हो सकता है हां जी हां अब ये जो वेक्टर रोटेशन है यूनिट वेक्टर रोटेशन है इसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन से आसान हो जाती है सॉरी डिवीजन तो होती है सबट्रैक्शन आसान हो जाती है एग्जाम्पल लेते हैं सपोज करो हमें गिवन है कि ए वेक्टर है 2i cap minus 3j cap plus 4k cap बी वेक्टर गिवन है i cap plus j cap plus 2k cap मान लो ये दो वेक्टर्स गिवन है ठीक है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है सीधा सीधा ऐड कर लो 3i क्या ये कितना आएगा 2j cap ये कितना आएगा 6k हो गया ठीक है मान लो आपको निकालना हो a वेक्टर माइनस b वेक्टर 2 minus 1 i cap -3 -1 कितना आएगा -4j cap +2j cap हो गया अच्छा अब अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना हूं इसको एक बार समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसे समझने के लिए सपोज i cap plus i cap निकालना हो तो जाएगा 2i cap i cap minus i cap निकालना हो तो 0 i cap dot i cap करोगे तो क्या आएगा i cap square i cap क्या चीज है सॉरी x axis पे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 ठीक है जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं लिखते हैं ए बी कॉस थीटा अब देख यहां वेक्टर है लेकिन यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड है ठीक है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इनटू कॉस इन दोनों में कितना एंगल होगा आपस में जीरो क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस में तो cos 0 हो गया cos 0 कितना आता है 1 तो दैट मींस i कैप डॉट i कैप कितना आएगा 1 ठीक है
जी कैप डॉट जी कैप टी नॉल हुए तो कितना आएगा, वो भी वन आ जाएगा। के कैप डॉट के कैप भी वन आएगा। आई कैप डॉट जे कैप कितना है सर, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो जीरो। तो वन इनटू कॉस 90 डिग्री जीरो आ गया। आई कैप डॉट जे कैप, आई डॉट के कैप कितना आएगा, जीरो। जे कैप डॉट के कैप कितना आएगा, जीरो। के कैप डॉट जे कैप कितना आएगा, जीरो। के कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, जीरो। और जे कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, जीरो। टोटल 9 पॉसिबिलिटीज थी। जब तो लाइक है तो वन आएगा, तो किसी भी और के साथ है तो जीरो आएगा, ठीक है। अब इसी को यहां लगा के देखिए, ए डॉट बी निकालने वाले थे, टू आई कैप डॉट आई कैप टू आ गया, ठीक है। नॉर्मली जब हम पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो टू आई कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस थ्री जे का जे कैप को इन तीनों से करोगे, प्लस फोर के कैप को इन तीनों से करोगे, ठीक है। इसे इससे किया वो आ गया, इसे इससे करोगे तो क्या आएगा, जीरो। इसे करोगे तो भी जीरो आएगा। तो सीधा सीधा आई कैप वाले को आई कैप से, जे वाले को जे से, के वाले को के से कर लो, बाकी तो सारे जीरो ही आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा जी, ये क्या आएगा, माइनस थ्री आगे कितना आया, प्योर नंबर आ गया है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है। एक बार फिर बताता हूं, मान लो हमने मल्टीप्लाई करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना, टू एक्स को इन दोनों से करोगे, प्लस थ्री वाई को इन दोनों से करोगे, तो चार टर्म्स आ जाएंगे, ठीक। हमने करना था ए कैप डॉट बी कैप, यानी इस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करना, तो टू आई को इन तीन से करेगा, तीन टर्म्स, थ्री माइनस थ्री ए को इन तीन से करेगा, तीन नॉट, फोर के को इन तीन से करेगा, तीन नॉट, तो नॉट टर्म चलेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, आई कैप डॉट आई कैप तो वन आता, तो टू आई कैप इंटू आई कैप क्या, टू आई, आई इंटू जे करेगा जीरो, आई इंटू के करेगा जीरो, तो दोनों टर्म जीरो होने वाली है। ऐसे ही इसको इससे करेगा तो नंबर मिलेगा, बाकी दो से जीरो आएगा, इसको इससे करेगा तो नंबर मिलेगा, बाकी दो से जीरो आएगा। तो सीधा सीधा करना क्या, आई कैप वाले को आई कैप से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, तो तीन नंबर आया, तो सॉल्व करके आंसर, ठीक है। करें नोटेशन, पहले लिख लो हेडिंग, लिखो डॉट प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, ये वाले नोट कर लो, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू दिस, तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू वन, जे कैप डॉट जे कैप, ये नोट कर लो सारे। डॉट लिख रहे हो, क्रॉस मत लिख रहे, ये ध्यान रखना है, सब में डॉट लिख रहे हो आप, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, क्रॉस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ
जोर से महाराष्ट्र हाँ जी करिए नोट सारे क्या कर रहा अभी ये मैं डाल सिकंद ये जाता नहीं जेब में नेक्स्ट हेडिंग लिखो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट फैक्टर्स अब ए क्रॉस बी क्या होता है साइन थीटा तो वन इंटू साइन ऑफ जीरो डिग्री कितना आएगा जीरो जी कैप क्रॉस जे कैप जीरो के कैप क्रॉस के कैप जीरो ठीक है I cap cross J cap कितना है? One into sine 90 degrees कितना होता है? One लेकिन साथ में हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना ठीक है अब I cap ये होगा along x axis J cap is along y axis. I cap cross J cap की direction किधर आएगी? Right hand thumb rule लगा के बताओ सर. हाँ जी. Copy copy भी क्या photo बनाओगे? Particular to the outwards. हाँ. Perpendicular to the plane of the paper and coming towards the reader, here towards z axis parallels. Okay, 1 into 1 into 1 unit vector हो गया. ठीक है. अभी मैं इसको n cap लिखूं. अब direction हमने निकाल ली है. किधर तो है? Z axis की direction में unit vector को किससे denote किया जाता है? K cap. आंसर आ गया K cap. क्योंकि अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. इसलिए तो तुझसे स्पेशल करवाने को आया था. ऊपर हेडिंग में क्या लिखा तुमने? ओके जी. अब अगर मैं इसको कर दूँ, J cap क्रॉस I cap. अब बता. माइनस के अब जे कैप क्रॉस के कैप ये क्या है जे कैप क्रॉस के
ये यहाँ है के यहाँ राइट हैंड रूल लगाया उधर जा रहा है दैट मींस आई थी और अगर ये के अक्रॉस ये क्या करेंगे तो माइनस आई कैप ठीक है और के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या आएगा आई कैप आई कैप क्रॉस के कैप माइनस हाँ जी क्लियर है क्या कंफ्यूजन है कुछ कंफ्यूजन है कोई कंफ्यूजन है तो हाथ उठा दो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नहीं तो आगे चलते किस केस में पूछ रहे हो ये वाले में जी कैप क्रॉस क्यू कैप जी कैप किस डायरेक्शन में होता है वाई एक्सिस ए कैप जेड एक्सिस तो ये वाई एक्सिस जे कैप ये डी कैप जेड एक्सिस जो पहले है वो जे है तो जे से के की और राइट हैंड की फिंगर्स लेके जाएंगे तो थंब इधर आ रहा है विच इज पॉजिटिव एक्सिस नंदन को अभी भी कंफ्यूजन है मुझे भाई पता क्या करना है मुझे अब ये मैंने अभी ऐसे रखा है इधर से देख लिया दो एक्टर्स है ये एंगल 270 ये एंगल 90 छोटा एंगल तो यही इसी पे चलेगा राइट हैंड की फिंगर्स पहले वाले वेक्टर से दूसरे की ओर लेके जाते हैं यस ऐसे ही करेगा तो भी वापस लेंगे ठीक है ये नौ रिजल्ट नोट कर लो सर ये वाला के आ रहा है ये वाला आई क्रॉस के नहीं ये वाला भी समझते हैं हम आई कैप क्रॉस के कैप का आई कैप यानी इधर जाना ये आई कैप बना हो गया ये के कैप हुआ अब राइट हैंड की फिंगर्स इससे इसकी ओर लेके जानी ऐसे हम किधर गया नीचे कौन सी एक्सिस होती है माइनस वाई एक्सिस
हाँ जी हो गए। आज की कहानी यहीं तक है, अगली बार आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 15 मिनट।